हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बन रहा है खाना रसोई में। खाने में बना रही हूँ मैं दाल, उड़द और चने की दाल, चावल, रोटी। और मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे हैं ठेला ले जाने के लिए। मार्केट ठेला लेके जाएंगे ना, तो वो ठेला ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। और अभी फिर उनके लिए भी मैं खाना लेके जाऊंगी मार्केट में लगभग 4 बजे। और अभी हमारे गेट से हनुमान धाम के लिए यात्रा निकली थी, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा निकली है, बहुत मतलब बहुत बड़ी। और यहाँ से खिड़की से बहुत अच्छी हवा आ रही है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, बहुत, ये देखिए पीछे पूरा का पूरा खाली ग्राउंड है, ये देखिए। तो बहुत अच्छी हवा आती है। अभी हम चलते हैं कमरे में और मेरे हस्बैंड जी अब तैयार हो गए हैं। कुछ दिन पहले गंजे हो गए थे, मतलब बाल थोड़े, गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो बाल सारे उन्होंने मुंडन करा लिया अपना, तो बाल आ गए हैं। क्योंकि ये सिर पर लगा रहे हैं तेल, जो बारल तेल है, जो आदिवासी तेल लगा रहे हैं ना, तो वो बहुत, सच में बहुत अच्छा तेल है, तो वही तेल लगा रहे हैं। और अभी 10 दिन हुए हैं बाल कटाए हुए और बाल बड़े बड़े हो गए हैं। अब चलते हैं रसोई में खाना बनाते हैं मेहमानों के लिए। हमारा मंदिर है, चलते हैं रसोई में। अभी मैंने बनाई थी चाय दे दी है, और इसमें बन रही है दाल। दाल बनने में लगभग 20 से 25 मिनट तो लगते ही है ना। फ्रिज से टमाटर निकालेंगे। टमाटर ले लेते हैं, लगभग 3 टमाटर ले लेंगे, क्योंकि टमाटर महंगे बहुत हो गए हैं, लगभग हो गए हैं 100 रुपये किलो। तो 2 ही टमाटर बहुत है, क्योंकि बड़े टमाटर है ना। आपको बताओ क्या देखना है? ट्रैक्टर। वो उसको क्या कहते हैं, टीवी को? टीवी को क्या कहते हैं? चलाऊं? क्या चलाऊं? बीबी चलाऊं? अच्छा, बीबी देखोगे? बंसु कह रहा है कि बीबी चलाओ मम्मा। बंसु टीवी को कहता है बीबी, तो उधर मैंने बीबी चला दी है बंसु की। अच्छा, ये देखो, तो अब टीवी चला दिए बंसु के लिए। बंसु क्या देखना है आपको? अच्छा, बाबा देखोगे? लो ये रिमोट और चलाऊं। तो बंसु अब बैठ के टीवी देखेंगे और मैं साइड में बनाऊंगी खाना। तो अभी हमने, तो बंसु अब खाना भी खा लेगा साथ में और टीवी भी देख लेगा। रसोई में चलते हैं, रसोई में टमाटर उठाते हैं। पहले हम तड़का कट करेंगे, तड़के में हम काटेंगे। तो अब दाल के लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़के में काटेंगे टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, क्योंकि हमारे लहसुन प्याज तो खाते नहीं है। तो सिंपली खाना है, जल्दी से बनके तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें जीरे का तड़का लगा दो बस। कोई कोई सब्जी ऐसी होती है जिसमें जीरे का और अदरक का तड़का लगता है। अब दाल में टमाटर, मतलब थोड़ा हैवी तड़का लगाएंगे, क्योंकि लहसुन की दाल है ना। तो दाल बना के तैयार करते हैं, फिर हम नीचे जाके देखेंगे। मेरे हस्बैंड की ठेला लेके जाएंगे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, हस्बैंड जी का ठेला। ओके, पहले वीडियो में आपको दिखा रखा है ठेला, अभी और दिखाते हैं। ओके, तो तड़का कट के तैयार हो गया और तड़का कढ़ाई में डाल दिया है। टमाटर आजकल अच्छे आ रहे हैं ना, तो जल्दी गल जाते हैं। कुकर की गैस भी निकल गई है, तो मसाले रख दिए हैं। तड़का पक जाएगा तो मसाले डालेंगे। जल्दी खाना बनाना है ना, क्योंकि मेहमान पास से ही आए हैं, उनको जल्दी से जाना है अपने घर पर। तो जल्दी खाना बना रही हूँ, एक साइड कर दूँगी चावल बनाने अभी। तो हम चलते हैं जल्दी से नीचे, क्योंकि वो ठेला लेके जा रहे हैं। तो हम आ गए बाहर, ठेला हो गया रेडी जाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जी वो खड़े हैं, ये बाइक से जॉइंट करके लेके जाते हैं ठेला। पहले पैदल लेके जाते थे ना, पहले पास में था घर, अब हम, मतलब पहले पास में था, मार्केट के पास था घर, अब मार्केट से बहुत दूर हो गया ना घर, तो इसलिए अब उन्होंने अपने लिए ये जुगाड़ बना लिया है। ये हमारा सिम्बा है, ये मतलब 1 महीना पहले ही सिम्बा आया है घर पर। सुन रहे जी, मैं आपको 3 बजे खाना देने आऊँ? ओके, फिर मैं नारियल पानी पी के आऊँगी वहाँ से और भोग ले आऊँगी। तो धूप बहुत तेज़ हो रही है, मतलब मौसम बिल्कुल सुहाना हो रहा है। वो देखिए पीछे रोड चल रही है। अभी हमारे यहाँ से हनुमान धाम के लिए यात्रा निकली थी, बहुत लंबी यात्रा थी, बहुत ज़्यादा लंबी।
अब वो शाम को वापस आएगी। अच्छा हनुमान धाम कितनी दूर है यहाँ से जी? 40 किलोमीटर पैदल हनुमान धाम के लिए यात्रा गई है अभी। अब वो लगभग कब तक पहुँच जाएंगे? 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। कुछ पैदल थे और कुछ थे अपनी बाइक पर, कार में, कुछ ट्राली में थे, ऐसे कुछ दौड़ लगा रहे थे। और ये है मेरी कड़ी पत्ता। तो अब वो चल दिए मार्केट के लिए ठेला लेके, और वो आएंगे रात को 12 बजे। दोपहर में जाते हैं, दिन के दोपहर में 12 बजे और रात को 12 बजे आते हैं। बहुत मेहनती है मेरे पति देव। अब इन्होंने कंफर्टेबल अपने लिए जुगाड़ बना लिया है। पहले बहुत मेहनत पड़ती थी, मतलब हाथ से लेके जाते थे ना चल के पैदल। बाय बाय। अब बिल्कुल कंफर्टेबल उनको लगता है ठेला ले जाते हुए। तो अब मैंने नहा लिया है और मेहमान जो आए थे उनको खाना खिला दिया और वो चले गए हैं। तो मैं आप आ गए हैं सिलाई करने के लिए। तो ये मेरी मशीन है, उसको मैंने ढक रखा है कपड़े से। ये देखिए इसको हटा देंगे, मशीन है। और ये मेरी सिलाई का सामान है कुछ। ये पर्दे लगे हुए हैं, यहाँ से पर्दे को थोड़ा सा हटा देंगे तो देखिए सामने रोड दिखता है। और यहाँ से मशीन पर थोड़ी रोशनी ज़्यादा आती है ना तो अच्छे से दिखता है। तो हम कुछ अपने लिए, तो अब मैं अपने लिए कुछ ड्रेस बनाऊंगी। मतलब मंडे मार्केट से एक कपड़ा लेके आई थी ना ख़रीद के फ्रॉक बनाने के लिए, तो मैं अपने लिए फ़्रॉक बनाऊंगी। वैसे अभी मैं मैंने फ़्रॉक पहन रखी है, और देखना चाहोगे तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो एक फ़्रॉक और बनाते हैं क्योंकि गर्मी हो रही ना, तो गर्मी में फ्रॉक ठीक रहती है। थोड़ी हल्की फ्रॉक बनाओ तो सही चलता है। हेलो एवरीवन, मैं जा रही हूँ हस्बैंड जी के साथ मार्केट। ठेले पर बैठ के यहाँ हमारा ठेला चल रहा है और मैं यहाँ बैठी हूँ। वाह रोड। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।